भारत में वैक्सीन को लेकर राजनीति तेज हो गई है। कोरोना से जंग जीतने के लिए वैक्सीन की एकमात्र हथियार है, लेकिन इन हथियारों में भारत में बीच बीच में जंग लगते हुए देखा जा रहा है। जी हां, नमस्कार, मैं कीर्ति भंडूला स्वागत करती हूं आप सभी का प्राइम डिबेट में। आज के इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर भारत में क्यों वैक्सीन की रफ्तार पर फुल स्टॉप लग जाता है, लेकिन उसी बीच विपक्ष ने भी वैक्सीन को लेकर राजनीति करना शुरू कर दिया और इसे एक राजनीति का आधार बना लिया है। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत में अब तक 21.3 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिसके बाद भारत दुनिया में वैक्सीन लगाने वालों की सूची में तीसरे देश पर पहुंच चुका है। लेकिन इस आंकड़े को लेकर देश में उत्साह नहीं दिखा, क्योंकि अब भी देश में कोरोना वैक्सीन की जबरदस्त कमी बनी हुई है। ये बात वैक्सीन के लिए स्लॉट न मिलने, दूसरी डोज की समय सीमा बढ़ाए जाने और वैक्सीनेशन में आई कमी से उजागर होती है। जबकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश है, फिर भी वह अपनी जनसंख्या का वैक्सीनेट करने में ब्राजील और मेक्सिको से पीछे खड़ा है। पिछड़े देशों के पास भी पर्याप्त वैक्सीन, भारत में नहीं। इनके अलावा अमेरिका, जो 1 अप्रैल तक अपने 100 में से 46 लोगों को वैक्सीनेट कर सका था, 26 मई तक हर 100 में से 86 लोगों को वैक्सीनेट कर चुका है। हालांकि जापान और फिलीपींस जैसे कुछ देश भी हैं जो वैक्सीनेशन के मामले में भारत से पीछे हैं, लेकिन इन्होंने भी इतनी वैक्सीन जुटा ली है कि ये एक बार में अपनी पूरी जनसंख्या का वैक्सीनेशन कर सकते हैं। इस मामले में भारत अभी बहुत पीछे है। कोरोना से सबसे प्रभावित भारत, फिर भी घट रहा है वैक्सीनेशन। भारत दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है, फिर भी यहाँ वैक्सीनेशन में गिरावट आ रही है। दुनिया के 10 सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देशों पर ध्यान दें तो इनमें से 3 ऐसे हैं जहाँ वैक्सीनेशन की दर में भारी गिरावट आई है। कई राज्य वैक्सीन की कमी की कर चुके हैं शिकायत। वैक्सीन की भारी कमी कई राज्यों में भी देखी जा रही है। दिल्ली, पंजाब, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्य वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र सरकार को आगाह कर चुके हैं। वैक्सीन लगवाने वालों की लाइन लंबी, लेकिन वैक्सीन खत्म। देश में सामान्य लोगों के लिए मार्च से वैक्सीनेशन शुरू हुआ था और 60 साल से अधिक के लोगों और 45 से अधिक के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को वैक्सीन लगाई जाने लगी थी। ऐसे में वैक्सीन खरीद का बोझ बढ़ा, जिसके लिए केंद्र ने 18 से 44 साल के लोगों के टीकाकरण के लिए राज्यों को वैक्सीन खरीदने के आदेश दिए। फिर भी सभी वयस्कों को वैक्सीनेशन में शामिल करने से वरिष्ठ नागरिकों के लिए पर्याप्त वैक्सीन की क्षमता भी प्रभावित हुई, लेकिन वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता न होने के चलते इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ और अब भी 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीन पाना आसान नहीं है। भारत में वैक्सीन का जो आंकड़ा है वो लगातार गिरता चला जा रहा है। हर सप्ताह आंकड़ों में कमी देखी जा रही है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि कैसे वैक्सीनेशन में लगातार कमी आ रही है। ये जो आंकड़े हैं, ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वैक्सीनेशन में लगातार गिरावट हो रही है। केंद्र सरकार भले ही वैक्सीन की कमी को नकारने में जुटी हो, लेकिन वैक्सीन के लिए राज्य भटकते नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगहों से आ रही खबरें इसकी गवाह हैं। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी।
आपने जिस तरह से देखा हमारी इस खास रिपोर्ट में भी किस तरह से वैक्सीन को लेकर जो सबसे बड़ा हथियार कोरोना के खिलाफ माना जा रहा है और लगातार ये बातें की जा रही है कि वैक्सीन देना काफी ज्यादा जरूरी है। कई तरह के ये भी दावे सामने आ चुके हैं कि अंत तक इस साल के अंत तक लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा पूरी तरह से। केंद्र सरकार ने यह दावा किया है, लेकिन जिस तरह से वैक्सीन की रफ्तार जिस तरह से सामने आ रही है, अभी लाखों में सिर्फ लोगों को वैक्सीनेट लग पा रहा है। पिछले हफ्ते तक 20 से 30 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया गया। बता दें कि इस समय जो दर है वो 3.4 करोड़ फीसदी लोगों को अभी तक फिलहाल कोरोना की डबल डोज दी गई है। तो जो ये सबसे बड़ा हमारा हथियार है उसकी डोज क्या सप्तक को दे दी जाएगी लास्ट के अंत तक, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे जो विपक्ष लगातार लामबंद है और कहीं ना कहीं जो अभी फिलहाल जिस तरह से बयान सामने आया था राहुल गांधी का भी, उसके पहले प्रियंका गांधी ने भी बयान दिया और उन्होंने कहा कि वैक्सीन जो है वो कही गई थी कि मिल जाएगी, भारत विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है, फिर भी महज 3.4% का कोरोना के खिलाफ टीकाकरण हो पाया है। तो 1.9 मिलियन पर डे करने की अभी रफ्तार तय की गई है, लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी ने बताया, उन्होंने कहा, उन्होंने साफ तौर पर उनका कहना था कि 7.8 मिलियन कम से कम लोगों का पर डे कोरोना वैक्सीन करने की जरूरत है। साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा और उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 2020 को पीएम ने कहा कि सबको वैक्सीन करेंगे, 2021 के मध्यम तक पहुंच चुके हैं, वैक्सीनेशन रेट जो है वो 1.9 मिलियन है खाली। तो इसको लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और वो लगातार जो वैक्सीनेशन दर है वो ग्राफ जो है वो घटता बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो आज यही इसी पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि लोगों को वैक्सीन मिल पाएगा। हालांकि ये जो इसकी राह है ये कठिन है क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन उस बीच लोगों को किस तरह से वैक्सीनेट किया जाएगा। तो वहीं वैक्सीन को लेकर सियासत तेज हो गई है, लगातार वैक्सीन को लेकर सियासत की जा रही है। वहीं राजस्थान में वैक्सीन वेस्टेज की भी खबरें काफी ज्यादा सामने आई, जिसपे ये कहा गया है कि राजस्थान में वैक्सीन वेस्ट की जा रही है। एक वैक्सीन उसमें 10 डोज होते हैं, जिसमें कई ऐसे फुटेज सामने आए जिसमें वैक्सीन वेस्ट होती हुई दिखाई दी है, तो इस पर भी सवाल उठेंगे। तो भारत में जो वैक्सीनेशन की रफ्तार है वो कहीं ना कहीं धीमी पड़ रही है, उसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे और ये सवाल कि ये किस तरह से मुमकिन हो पाएगा कि हम लोगों को इस साल के अंत तक वैक्सीनेट कर पाएंगे, इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए विवेक श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, साथ ही साथ कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद है हमाम वही। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। तो मैं सबसे पहले विवेक श्रीवास्तव जी आप पर आना चाहूंगी, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या लगता है जो ये राह है वो कठिन है लेकिन क्या ये मुमकिन हो पाएगा जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं और जो हम लगातार ग्राफ देख रहे हैं, आपने भी देखा कि किस तरह से घटता बढ़ता रहा है। अभी तक 20 से 30 लाख लोगों को लास्ट मंथ तक लास्ट हफ्ते में वैक्सीनेट किया गया है। देखिए फिर से ये भारत सरकार के स्तर से बार बार राज्य सरकारों को स्पष्ट किया गया है कि वैक्सीन की कमी नहीं है न होने दी जाएगी, और वैक्सीन लगाने की जो प्राथमिक जिम्मेदारी है, जो उनका निर्वहन है, वो राज्य सरकारों की मशीनरी के ऊपर है। तमाम खबरें आई, कहीं आंध्रा में वैक्सीन बर्बाद हुई भी राजस्थान खबर आप ही बता रही हैं। जब वैक्सीन की एक एक डोज कितनी महत्वपूर्ण है, ऐसे में उसका बर्बाद होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार अपने सारे नागरिकों को वैक्सीनेट करने के लिए संकल्पित है और उस दिशा में भारत सरकार काम कर रही है। जिन कंपनियों ने यहाँ वैक्सीन का इजाद किया था उनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सरकार ने एडवांस पेमेंट दिए, विदेशी कंपनियों को अलाउ किया कि यहाँ पे आप अपना प्रोडक्शन करिए ताकि भारी मात्रा में हमारे लोगों को वैक्सीन उपलब्ध हो पाए। तो भारत सरकार के स्तर से वैक्सीन के रास्ते में कहीं कोई रोड़ा नहीं, कहीं कोई कमी नहीं है। अब उसको समय से लोगों को वैक्सीनेट करने की है। इसमें थोड़ा ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा जो भ्रम फैलाया गया, कुछ बड़े नेता, कुछ छुट भये नेता, जिन्होंने कहा कि साहब किसी ने कहा बीजेपी की वैक्सीन है, किसी ने कहा कि इससे
नपुंसकता आती है, किसी ने कहा कि इससे बीमारी ज़्यादा तेज़ी से पकड़ेगी, वो फलाने वैक्सीन लिए थे वो मर गए, इस तरह के भी एक वायरल हुआ जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त लोग से कुछ उल्टा सीधा ट्रोल करा दिया गया था। इसे तमाम चीज़ें इसके रास्ते में रुकावट पैदा कर रही हैं। अभी मैं आज ही देख रहा था बिहार के सेंटरों पे लोग एक डोज लेकर के दूसरा डोज लगवाने नहीं आ रहे हैं, उनको वहाँ से फ़ोन कर कर के बुलाया जा रहा है। तो ये भी है, लोगों को खुद से आगे आ कर के अपने आप को वैक्सीनेट कराना चाहिए। अगर एक डोज लिए तो दूसरा डोज लगवा करके भी अपना वर्क कंप्लीट करना। लेकिन जिस तरह से अभी अगर हम बात करें तो पर डे 20 से 30 लाख लोगों को वैक्सीन लग रहा है, तो ये 1 करोड़ का आंकड़ा किस तरह से पहुंचेगा, क्या रोड मैप तैयार किया हुआ है इसको लेकर, क्योंकि लास्ट एंड तक बात की जा रही है कि सबको वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, ये सरकार का लक्ष्य है, सरकार इसके लिए संकल्पित है कि सबको वैक्सीनेट किया जाएगा और भारी मात्रा में वैक्सीन की उपलब्धता देश में कराई जा रही है, उसका प्रोडक्शन भी अन्य कंपनियों द्वारा शुरू कराया जा रहा है। वैक्सीन किसी को कमी नहीं रहने दी जाएगी, जो भी वैक्सीन लगवाने सेंटर तक जाएगा वो खाली नहीं लौटेगा, आज भी कोई खाली नहीं लौटा, बस यह है कि लोग जाएं। शहरों में हालांकि इतना भ्रम नहीं है, शहर के लोग जा रहे हैं, भारी मात्रा में जा रहे हैं, ग्रामीण अंचलों में थोड़ा सा ये भ्रम फैला हुआ है, वहाँ भी हमारी निगरानी समितियाँ जा कर के डोर टू डोर लोगों को कन्विंस कर रही हैं कि नहीं आप वैक्सीन लगाएं, देखिए हमने लगाया हमें कुछ नहीं हुआ और हम इस सुरक्षा चक्र के दायरे में, आप भी इस सुरक्षा चक्र के दायरे में आएं। तो ये हमारी निगरानी समितियाँ बनाई गई हैं, उसको वीडियो मॉनिटर कर रहे हैं, आशा बहुएँ घर घर जा रही हैं, तो ये सब सारे प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन वो भी तो नजारा था श्रीवास्तव जी, जब हमने देखा कि वैक्सीन की कमी के चलते कई सेंटर बंद हो गए, कई जगहों पर ताले लग गए और राज्य सरकारें लगातार ही केंद्र से अपील करती रही कि वैक्सीन की कमी दर्ज की जा रही है, वैक्सीन नहीं उपलब्ध हो पा रही। उस बीच 1 जुलाई से 1 करोड़ प्रतिदिन लोगों को डोज लगाने का ये जो बात कही गई है, ये कितनी सही होगी, कितनी हद तक पूरी होगी आपको लगता है? इन 30 दिनों में जो फासला है, अभी 28-29 दिन का ही अब रह गया है, तो ये फासला तय कर लेंगे आप प्रतिदिन 1 करोड़ डोज लगाने का? देखिए, लगाना राज्य सरकार की मशीनरी को है, उपलब्ध कराने की जिम्मा भारत की कंपनियों को है और उसमें जो सहयोग भारत सरकार कर सकती वो करेगी। आपने देखा अभी जो आपने बात कही कि वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिए गए, बताया गया वैक्सीन कमी, वो दिल्ली की बातें थी। दिल्ली में जब आंकड़े दिखाए गए तो वहाँ पता चला साहब इतनी वैक्सीन आपको दी गई, अभी तो आपने इतनी वैक्सीन भी नहीं लगाई, तो वो वैक्सीन क्या हुई उसके बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। इसी तरह आप देख लीजिए, दिल्ली छोटा सा राज्य है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, उसके बावजूद भी कोरोना के मामले में बुरी तरह फैल रहा। तो ऐसा नहीं है, जहाँ पे सरकार ने उसको जिम्मेदारी से दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उससे फाइट किया, वहाँ कोरोना नियंत्रित में आया, वहाँ आगे लक्ष्य भी वैक्सीनेशन का ठीक चल रहा है, और जहाँ सरकारों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई वहाँ दिक्कतें आई हैं। भारत सरकार सबको वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्प। लेकिन श्रीवास्तव जी, हम ये भी तो देख रहे हैं पीएससी सीएससी की जो हालत है, गांव में वैक्सीन पहुंच तक नहीं पा रही है, लोग लगवाएं कैसे, और अब शहरों में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है कि हफ्ते हफ्ते भर आगे बढ़ाकर हमें रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पा रहा है, कमियां इस वजह से आ रही है। तो वो 1 करोड़ लोगों को लक्ष्य जो रखा गया, उसके लिए आपको बाहर के जो कंपनी है उनसे भी बात करने की जरूरत है। तो अभी तक कौन सी कंपनियों से मंजूरी मिली है? मॉडर्ना है, फाइजर है, जॉनसन एंड जॉनसन है, इन तमाम कंपनियों से क्या आपने बात करी है, कुछ सुनिश्चित हो पाया है? स्पुतनिक का इंडियन कंपनी ने प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, तमाम कंपनियां और जो इंडिया की वो प्रोडक्शन शुरू कर चुकी हैं। जो सरकार ने कहा है कि 1 जून से वैक्सीनेशन का लक्ष्य स्पीडअप होगा, 1 जून से स्पीडअप हुआ है, और मुझको लगता है कि मैं देख रहा था ISMR की भी रिपोर्ट थी और एम्स के गुलेरिया जी की भी रिपोर्ट थी, जुलाई से शायद ही ये नौबत आए कि किसी कोई वैक्सीन नेशन सेंटर पर जाओ उसको लौटना पड़े, जो स्थिति है जी, जुलाई से ये स्थिति नहीं रह जाएगी, किसी को वैक्सीनेशन सेंटर से लौटना पड़े। बिल्कुल, लेकिन ये सुनिश्चित किस तरह से होगा कि लौटना ना पड़े, क्योंकि हम भारत एक टाइम पर जो है वो सबसे ज्यादा विश्व का सबसे बड़ा निर्यात करने वाला है कि वैक्सीन को लेकर, लेकिन देश में कमी कहीं ना कहीं दर्ज की गई। देखिए, सबसे ज्यादा वैक्सीन भारत में बनती है सत्य है, परंतु सबसे बड़ी जनसंख्या भी भारत की है और इतनी बड़ी आबादी का देश कोई नहीं है। चाइना
की बात छोड़ दिया जाए तो बाकी दुनिया में कोई भी इतनी बड़ी आबादी का देश नहीं है, और जनसंख्या घनत्व तो इतना चाइना का भी नहीं है जितना आज हिंदुस्तान का है। तो ऐसे में सरकार की जो दुश्वारियाँ हैं उसको भी समझना चाहिए, फिर भी सरकार इस मोर्चे पे वैक्सीनेशन के मोर्चे पे ठीक काम कर रही है और सबको वैक्सीनेट करने के लिए संकल्पित है। नहीं बिल्कुल श्रीवास्तव जी, ये जरूरी हम मान रहे हैं आपकी बात को कि आबादी बड़ी है और आबादी के हिसाब से चुनौतियां भी काफी ज्यादा बड़ी हैं, लेकिन उन चुनौतियों को अगर हम देखें तो अगस्त में ये बात कही गई थी कि हम वैक्सीनेट करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को, सबसे बड़ा विश्व का निर्यात करने वाला वैक्सीनेशन भारत है, उसके बावजूद अभी तक 3.4% आबादी को सिर्फ डबल डोज लग पाई है, ये भी सच है। नहीं बिल्कुल, इसमें कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा सक्रियता का अभाव है, कहीं वैक्सीन नहीं पहुंच सकी, कहीं मशीनरी ने वैक्सीन डिस्ट्रॉय होने दिया, ये सब तमाम चीज़ें हैं, शिकायतें आई हैं, उन सारी लूप होल्स को ठीक करके वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को स्पीडअप किया जाना है। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ सपा नेता विवेक पांडे जी भी जुड़ चुके हैं, तो विवेक जी मैं आपसे जानना चाहूंगी आपको क्या लगता है वैक्सीन को लेकर, और साथ ही साथ कांग्रेस से आशीष कोटाडिया जी भी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। विवेक जी सबसे पहला सवाल आपसे, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से वैक्सीन को लेकर राजनीति हो रही है क्या वो सही है? विवेक जी आपको आवाज आ रही है? ठीक है, आशीष जी पर जाना चाहूंगी, और आशीष जी लगातार ये बातें कही जा रही थी कि केंद्र सरकार वैक्सीन नहीं दे पा रहा है, लेकिन जब वैक्सीन दे दी जाती है उसके बाद राजस्थान में हमने ऐसी तस्वीरें देखी जहां पर वैक्सीन की बर्बादी की जा रही है, तो क्या लगता है आपको ये वैक्सीन की बर्बादी को सुनिश्चित करना भी जरूरी है, और आपको ये भी समझना पड़ेगा ना कि आबादी ज्यादा है, चुनौती भी ज्यादा है, ये मानेंगे ना? देखिए आपका धन्यवाद, सर्वप्रथम तो आपका शुक्रिया। वैक्सीनेशन की बात आई तो इन्होंने अभी बताया, जो मेरे अगले प्रवक्ता थे उन्होंने, कि वैक्सीनेशन केंद्र सरकार कार्य पूर्ण तरीके से निभा रही है, लेकिन मैं कुछ तथ्य है जो आपके समक्ष रखना चाहूंगा। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने केंद्र सरकार को स्पष्ट तौर पर लताड़ लगाई कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने 45 वर्ष से उम्र के लोगों को वैक्सीनेट करने का जिम्मा स्वयं लिया और मुफ्त में, और 18 से 44 वर्ष के लोगों को वैक्सीनेट करने का जिम्मा राज्य सरकारों पर थोप दिया गया, और वो भी वैक्सीन खरीदनी पड़ेगी जो पूर्णतः इरेशनल और आर्बिट्रेरी है। नंबर दूसरी बात, इन्होंने वैक्सीनेशन की बात थी, मैं स्पष्टता के तौर पर बताना चाहता हूं कि वर्तमान में देश में केवल 4.31 करोड़ जनसंख्या ही वैक्सीनेट हो पाई है। देश का वैक्सीनेशन रेट 3.1% है, जो कि वैश्विक पटल पर सबसे कम है। मुझे बताइए, मोदी सरकार वैक्सीनेट करने की बात कर रही थी, आज राज्य सरकारें, कई सारी राज्य सरकारें वैक्सीन की किल्लत का सामना कर रही है। पिछले वर्ष मई 2020 में जब देश कोविड का सामना कर रहा था, तब अन्य देशों ने वैक्सीन निर्माता कंपनियों को पहले ही ऑर्डर दे दिए थे, किंतु मोदी सरकार ने जनवरी 2021 में 2 करोड़ वैक्सीन खरीद का ऑर्डर निर्माता कंपनियों को दिया। ये कहां तक तार्किक है मुझे बताइए, जब देश में डोमेस्टिक वैक्सीनेशन की आवश्यकता। पहले राहुल गांधी डिसेंट्रलाइज करने की बात करते हैं, फिर वो सेंट्रलाइज करने की बात करते हैं, तो ये तो आप फिर वही हो गया ना कि पहले आप कहते हैं कि नहीं डिसेंट्रलाइज कर लीजिए, फिर आप कहते हैं सेंट्रलाइज कर लीजिए, मतलब पहले राज्यों पे मत छोड़िए, केंद्र पर छोड़िए, अब केंद्र अपने से छोड़ के राज्यों पर दे देता है, तो आपको उस पर भी तकलीफ है। देखिए राहुल गांधी जी ने डिसेंट्रलाइजेशन की बात की थी, वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम की थी, क्योंकि आपको पता होगा कि भारत के पास 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, जिसके तहत भारत वैश्विक पटल पर वैक्सीन की राजधानी बना था, किंतु आज वही केंद्र सरकार वैक्सीन के मामले पूर्णतः लिपापोती और लापरवाही बरत रही है। और मुझे बताइए, जब देश में डोमेस्टिक वैक्सीनेशन की आवश्यकता थी, तो सरकार ने 6 करोड़ से भी अत्यधिक वैक्सीन के डोज 84 से भी अत्यधिक देशों को निर्यात कर दिए, और देश में केवल 3 करोड़ वैक्सीन के डोज उपलब्ध थे, ये कहां तक तार्किक है? राहुल गांधी जी ने डिसेंट्रलाइजेशन वैक्सीनेशन प्रोग्राम की थी, ना ही बात की थी कि राज्य सरकारों पर जिम्मा थोप दिया जाए, राज्य सरकारों को वैक्सीन खरीदनी पड़ेगी। और मुझे बताइए, क्या आपने कभी देश के इतिहास में या किसी देश की प्रणाली में ये देखा है कि एक वैक्सीन और 3 मूल्य, केंद्र सरकार का अलग मूल्य, राज्य सरकार का अलग मूल्य और निजी अस्पतालों का, ये दोहरी प्रणाली कदापि स्वीकार नहीं की जाएगी, और संविधान के विरुद्ध, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय ने और सुप्रीम कोर्ट ने, और जब सरकार को लताड़ लगाई है, और कल स्पष्ट तौर पर कोर्ट ने कहा
कि केंद्र सरकार अभी तक जितनी वैक्सीन प्रोक्योरमेंट की गई है उतना उसका डाटा कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करे। मेरी बात का के पास जवाब नहीं दिया। जब आपके पास वैक्सीन होती है तब आप कहते हैं कि वैक्सीन की बर्बादी हो रही है, हमारे पास वैक्सीन की कमी। जब बर्बादी होती है तब आप उस पर कुछ नहीं बोलते। अभी जिस तरह से राजस्थान में तस्वीरें देखने को मिली जहां पर वैक्सीन लगाई नहीं जा रही है, वैक्सीन के बॉटल्स में वैक्सीन बची हुई है और उसको फेंका जा रहा है कहीं ना कहीं, तो वो भी तो बर्बादी हो रही है, उसको कौन सुनिश्चित करेगा? केरल की जीरो वेस्टेज जिस तरह से केरल में लगाई जा रही है बिना वेस्ट किए हुए वैक्सीन, तो क्या राजस्थान में भी तो उसी तरह से वैक्सीन लगाई जा सकती है? तो उसकी बर्बादी पर भी आप कुछ बोलेंगे? राजस्थान तो पर अवश्य आपने प्रश्न पूछा, लेकिन उत्तर प्रदेश के हाल बताएंगे? उत्तर प्रदेश की बदहाल की अवस्था आप देख रही होगी कि जहां पर वैक्सीनेशन में अपने आप में समस्या उद्भवित हो रही है। तो जवाब दीजिए, मुझे बताइए, राजस्थान आज देश में सर्वोपरि है कि जिसने कोविड-19 का प्रबंधन किया, अपनी जनसंख्या को वैक्सीन प्रदान कर रही है और सरकार ने निर्णय भी लिया है कि जल्द से जल्द राज्य की जनसंख्या को वैक्सीनेट किया जाएगा। किंतु उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के शासन में क्या हाल है? क्या उत्तर प्रदेश गंगा मैया की जिस तरीके से बिल्कुल आशीष जी वो सराहनीय काम है, अगर आप वैक्सीन लगवा रहे हैं, लोगों को आप प्रोवाइड करवा रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन ही है। लेकिन जो बर्बादी हो रही है उसको भी तो हमें खत्म करने की ओर अग्रसर होना चाहिए ना। देखिए, इसको लेकर तो हम आत्ममंथन करेंगे और यदि कोई समस्या है तो हम इसको स्वीकार करते हैं और यदि कोई राज्य सरकार ने त्रुटि की है तो हम इसको स्वीकार करेंगे। किंतु हम भाजपा सरकार की तरह नहीं है कि जो यूनिलिटरल डिसीजन थोपने का कार्य करती है, राज्य सरकारों पर वित्तीय कारोबार और वित्तीय प्रभार लागू करने का कार्य करती है। हमारी सरकार जिन जिन प्रदेशों में, पंजाब में हो, छत्तीसगढ़ में हो, राजस्थान में हो या महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की हो, वहां पे हम स्पष्ट तौर पर भूमिका निभा रहे। और मुझे बताइए, जब इन राज्यों को वैक्सीनेशन की किल्लत थी तो केंद्र सरकार ने क्यों वैक्सीन की आपूर्ति नहीं थी? केंद्र सरकार ने तो कह दिया था कि हम पूरी देश की जनसंख्या को 18 से 45 वर्ष को वैक्सीनेट करेंगे। अभी तक कई कई सारी राज्य सरकारों में शुरू नहीं हुआ है और अभी तो मोदी सरकार दावा कर रही है कि दिसंबर 2020 तक पूरे देश को वैक्सीनेट कर लिया जाएगा। कौन सी नीति है केंद्र सरकार के पास? सुप्रीम कोर्ट ने कल भी लताड़ लगाई थी कि केंद्र सरकार की सबसे बड़ी गलती यही है कि सरकार के पास हर सप्ताह प्रति सप्ताह नई वैक्सीनेशन नीति होती है। ठीक है, नीति बनाने की जरूरत है, नीति पर काम किया जाएगा। और जिस तरह से डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कहा और आयोग, नीति आयोग ने भी ये कहा है कि हम 1 जुलाई से 1 करोड़ लोगों को पर डे वैक्सीनेट करेंगे, तो इसको लेकर भी ये सुनिश्चित जरूर करने की जरूरत है बीजेपी सरकार को। और विवेक श्रीवास्तव जी वहां पक्ष रख रहे हैं तो वो भी सुनिश्चित बताएंगे कि क्या आगे की रणनीति उन्होंने तैयार की हुई है, किसको आगे लेकर बढ़ेंगे, उन पर आऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं विवेक पांडे जी पर जाना चाहूंगी। विवेक जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से वैक्सीन को लेकर सियासत हो रही है, क्या वो सियासत होना सही है? क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा हमें वैक्सीन को लेकर जो भ्रम फैल रहा है उसको हटाने की और वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। देखिए कीर्ति, मैं मंच को धन्यवाद देता हूं और अपने दोनों ही भाइयों को मैं सुन रहा था। मुझे लगता है कि बड़ा संवेदनशील समय है, चुनाव भी अब नजदीक आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से कोविड के तीसरे लहर की पहले से ही एक आशंका जताई गई है, मुझे लगता है कि हम लोगों को अब थोड़ा सा राजनीतिक चीजों को छोड़ करके सहयोग की दिशा में चलना चाहिए। अभी तक जित मेरा सबसे पहला सवाल आप नोट कर लीजिए, मैं आपके माध्यम से पूछता हूं क्योंकि मैं डिबेट की शालीनता बनाए रखना चाहता हूं क्योंकि एक गंभीर विषय है। अगर आप वैक्सीन की नीतियों पे पूरी तरह से प्रमाणित कार्य कर रहे थे तो आपने ग्लोबल टेंडर के लिए राज्य सरकारों को अंतरराष्ट्रीय बाजार का रास्ता क्यों दिखाया? ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी। केंद्र सरकार ने शुरू में किसी को वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अथॉराइज नहीं किया, सारा कंट्रोल अपने पास रखा, सारा नियंत्रण अपने पास रखा। अचानक वो खड़े होकर के कहते हैं कि अब राज्य सरकारें अपने लिए वैक्सीन का बंदोबस्त स्वयं करें, तो ये ग्लोबल टेंडर क्यों प्रचलन में लाया गया ये मैं समझ नहीं पाया। क्या केंद्र सरकार 70 साल के इतिहास में पहली बार ऐसी सरकार है जिसने राज्यों को अनाथ छोड़ करके अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपस में ही कंपटीशन करने के लिए छोड़ दिया? पहली चीज। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सारा हिसाब मांगा है, टीका नीति मनमानी व तर्कहीन बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट कहना है कि नागरिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो मूक दर्शक नहीं रह सकती अदालतें, और टीकाकरण नीति में सुप्रीम कोर्ट के अति उत्साही न्यायिक हस्तक्षेप से अनपेक्षित हालात हो सकते हैं, ऐसा केंद्र सरकार ने स्टेटमेंट दिया। जिससे सुप्रीम कोर्ट का तर्क क्या आया है, हमारा संविधान अदालतों से मुक्त दर्शक बनने की अपेक्षा नहीं रखता, जब नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का सरकार की नीतियों से उल्लंघन होता है
तो उसके परीक्षण का दायित्व अदालतों को सौंपा गया है। बिल्कुल, लेकिन वैक्सीन को लेकर यह सिर्फ सुनिश्चित करना जरूरी है, भ्रम की स्थिति जो पैदा हो रही है लेकिन उसको भी तो दूर करने की जरूरत है। अगर हम बात करें आपकी पार्टी की, तो पहले ये कहा जाता बीजेपी की वैक्सीन, उसके बाद अब आपके खुद पार्टी के नेता जो उठकर ये बोलते हैं कि शरीयत में फेरबदल के चलते आसमानी आफतें आ रही है। क्या आपको पता है कि WHO ने रेमडेसिविर को अपनी सूची से हटा दिया है? ये बात आप जानती हैं? या इनको पता है ये बात? बिल्कुल पता है ना, क्यों हटा दिया गया? रेमडेसिविर की भी इन्होंने जमकर वाहवाही, वो दवाइयों की बात है, बता रहा हूँ। नहीं, आप ये बताइए ना कि अभी अगर भ्रम की स्थिति जो फैलाई जाती है, कहीं ना कहीं उस भ्रम की वजह से जिस जो भ्रांतियां फैल रही है उसके चलते कितने ग्रामीण लोग डर के मारे वैक्सीन लगा नहीं लगवा रहे हैं, और उनके अंदर ये सुनिश्चित करना कि आप भ्रम हटाना उसके बाद उन्हें वैक्सीन लगाना कितनी बड़ा चैलेंज हो गया है। अच्छा, एक बात बता दीजिए कीर्ति, मैं जिम्मेदारी से उसी सवाल पे आ रहा हूँ जो आपने पूछा, उसी का जवाब दे रहा हूँ। क्या आप देश की सर्वोच्च जो मेडिकल संस्थाएं हैं उन पे विश्वास करती हैं? अगर आप उस पे विश्वास करते हैं तो यकीनन आप उसके जिम्मेदार पदाधिकारियों पे भी विश्वास करते होंगे। बिल्कुल, इस बात पे किसी को कोई आशंका नहीं है, कोई शंका नहीं है। लेकिन जब तक हमारे देश की सर्वोच्च संस्थाएं जो मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, जब तक वो मेडिसिन की प्रामाणिकता को स्वयं सार्थक नहीं बताएंगी, हम क्यों किसी के कहने पे वैक्सीन लगवाएंगे? और दूसरी बात ये बताइए ना, जिस समय अखिलेश यादव जी के वक्तव्य को जिस तरह से ये लोग राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं कि भ्रम फैलाया गया, अखिलेश यादव एकमात्र इतने 20-22 करोड़ की जनता में एक अखिलेश यादव जी ने कहा, और क्या सारी जनता अखिलेश यादव जी को ही फॉलो करती है? और इन्होंने क्या जागरूकता अभियान चलाया? डॉक्टर नवजोत दाहिया जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, उन्होंने तक तो कह दिया कि मोदी इज अ कोविड स्प्रेडर। तो आप इस बात को भी क्यों नहीं मानते कि मोदी इज अ कोविड स्प्रेडर? ये तो उन्होंने कहा है ना। जनता इससे प्रभावित हुई हो ना हुई हो, लेकिन कुछ जनता को तो प्रभाव पड़ा है ना, जिसके चलते अब ये भ्रम की स्थिति जो पैदा हो रही है उसे हटाना मुश्किल हो रहा है। आप एक बात बताइए मुझे, जब अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, पहली बात उस समय भाजपा के कितने नेताओं ने वैक्सीन लगवाई थी? लेकिन अखिलेश यादव जी ने यह भी कहा कि जैसी सपा की सरकार आएगी सभी को वैक्सीन फ्री लगेगी। ये वाक्य, ये स्टेटमेंट कोई नहीं बताता है। हमने तो बार बार आह्वान किया है कि वैक्सीन वो लगवाइए जिसकी प्रामाणिकता इंडियन मेडिकल काउंसिल और ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी ने सर्टिफाई की है। किस तरह के बयान है कि शरीयत में फेरबदल के चलते आसमानी आफतें आ रही हैं, आपके नेता इस तरह की बातें करते हैं, मतलब क्या ये भ्रम की स्थिति इस वक्त की महामारी के दौर पर? सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ा संगठन है, और अगर उसमें कोई व्यक्तिगत आधार पर कोई बयान दे रहा है तो मैं उसके बयान को या उसके किसी व्यक्तिगत मत को मैं औचित्यपूर्ण नहीं मानता। ठीक है, अगर उसने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय पटल से कोई राजकीय पटल से कुछ बात कही होती, मंच पे मंचासीन अगर हम लोग रहे होते या हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने कोई अगर उसने स्टेटमेंट दिया होता तो हम मान सकते थे कि हाँ चलिए ठीक है, वो समाजवादी पार्टी का स्टेटमेंट है। ऐसे तो इनके भी मंत्री चले गए पूरे पूरी तरीके से, इसके इस्लाम का पूरा कानून ही बदलवाने, उनकी पूरी किताबें बदलवाने चले गए सुप्रीम कोर्ट तक। तो ये कोई मतलब नहीं है, हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत मत होता है, उसका आकलन किसी राजनीतिक दल की मानसिकता से नहीं करना चाहिए। हम सिर्फ विकास के मुद्दों पे बात करते हैं, और मैं तो अभी भी कह रहा हूँ ना, तीसरी लहर आने की आशंका है, उस पे तैयारी क्या है उस पे बात करिए पहले। ठीक है, बिल्कुल उस पर ही बात की जाएगी और उससे पूछा भी जाएगा, लेकिन जो भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है विवेक जी, उस पर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय सबसे बड़ी चुनौती हो गया है लोगों के मन से भ्रम की स्थिति को हटाना और वैक्सीन लगाना। प्रचार किए थे कीर्ति, बिहार में चुनाव थे, गाँव में LED लगा लगा के प्रचार किए थे, क्यों नहीं इन्होंने गाँव में जागरूकता अभियान चलाया? इनके पास मैन पावर की कमी है, हम तो पहले दिन से चिल्ला रहे हैं कि मैन पावर कम है आपके पास। अच्छा ठीक है, आप बीजेपी की वैक्सीन बोलिए, वो गांव-गांव जाके LED लगवा कर वो ये सुनिश्चित करे कि लोगों के अंदर से भ्रम हट जाए। नहीं नहीं नहीं, बीजेपी का वैक्सीन छोड़ दीजिए, वो तो हमने ये भी कहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो वैक्सीन फ्री होगी। हमने हमारे ही कहने पे हमने ये दबाव बनाया, तब जाकर इन्होंने बच्चों को कम से कम राहत दी, नहीं तो वरना जो बच्चों का एग्जाम, तो 2022 तक इंतजार करें जनता की, आपकी सरकार है इसके बाद फ्री में वैक्सीन की उम्मीद जताए। तो आज तक इन्होंने कोई सर्वदलीय बैठक बुलाई है? इन्होंने विपक्ष का साथ लेने का सहयोग किया, प्रयास किया, पूछे ना, मैं तो बोल रहा हूँ हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं। इन्होंने विपक्ष की कोई सर्वदलीय बैठक एक बता दीजिए अगर आज तक हुई हो, आपने विपक्ष को साथ लेने का क्या प्रयास किया, इसी का जवाब दे दीजिए। चलिए, विपक्ष साथ नहीं आया तो विपक्ष अपनी तो भूमिका निभा सकता है ना, लोगों को ये सुनिश्चित करने में, ये भ्रांतियां जो फैल रही हैं उनको हटाने के में विपक्ष अपने आप खुद तो सामने आकर ये सुनिश्चित कर सकता है ना कि लोगों के अंदर जो भ्रांतियां फैल रही, क्योंकि पता है ना आज के समय वैक्सीन ही सबसे बड़ा हमारा हथियार है, उसको लगाना और लोगों को जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट करना जरूरी है, क्योंकि ये महामारी किसी राजनीति की भेंट ना चढ़ जाए उसको भी सुनिश्चित करना जरूरी है। कीर्ति, राजनीति देखिए इन्होंने की है, राजनीतिक जब इन्हीं के वक्तव्य थे ना, कोरोना से हमने विजय पा ली है, आज कोरोना और उसी 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 विजय गाथा के चक्कर में इन्होंने दूसरी लहर को नजरअंदाज किया, तब ये चुनाव में जाके व्यस्त हो गए।
हमें इससे आपत्ति नहीं है कि आप पहली बार जब पहली लहर आई तो उसमें आप जिम्मेदारी से नहीं संभाल पाए, क्योंकि वो किसी की सरकार होती, मेरी भी सरकार होती, चाहे भाजपा की कांग्रेस की, पहली लहर के लिए महामारी में कोई तैयार नहीं था, अव्यवस्थाएं थी, हम नहीं जानते थे, ठीक। लेकिन दूसरी लहर, लेकिन सुन लीजिए, दूसरी लहर में आपने जो असंवेदनशीलता दिखाई, आपने जो अपरिपक्वता दिखाई और आपने जो संस्थाओं को नजरअंदाज किया, उसका जो रोष व्याप्त है जनता के अंदर, वो आप कैसे हटाएंगे? लोग मर रहे थे, आप धमकी दे रहे थे बैठ करके कि एफआईआर कर देंगे। जनता सुनिश्चित करेगी कि उनके अंदर रोष है तो वो किस तरह से लेते हैं, तो वो तो आने वाला वक्त बताएगा। आशीष जी, आपको क्या लगता है, कई कांग्रेस पार्टियों के नेता ने भी कोवैक्सीन के ट्रायल को लेकर भ्रम फैलाए थे, तो बड़ी चुनौतियां और गाँव में ये हो गई है कि लोगों को समझाना कि वैक्सीन सुरक्षित है। आशीष जी, आपको आवाज मिल रही है? कर किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं हुआ था, हमने स्पष्ट तौर पर केंद्र सरकार से मांग की थी कि पूरे देश को वैक्सीन फ्री में और मुफ्त में प्रदान की जाए, तथा वैक्सीनेशन को लेकर राज्य सरकारों के पास से जो वसूली की जा रही है उसको बंद किया जाए और राज्य सरकारों को आवश्यकता के अनुसार वैक्सीन की आपूर्ति की जाए। वैक्सीन के ट्रायल को लेकर भी सवाल खड़े किए गए थे। जी मैडम, अवश्य, क्यों नहीं, विपक्ष का कार्य है सवाल खड़े करना, मुझे बताइए, जब केंद्र सरकार ने, विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना या लोगों के बीच में भ्रम फैलाना? नहीं, हमने भ्रम फैलाने का कदापि कार्य नहीं किया, ये कार्य है भारतीय जनता पार्टी का। मुझे बताइए, क्या ट्रांसपेरेंसी है, क्या आपको पता है कि कोवैक्सीन की जिस तरीके से सरकार ने अनुमति प्रदान की है उनको किन चरणों को और किन कानूनी प्रोसीजर को फॉलो करके अनुमति प्रदान की है? किसी भी वेबसाइट पर इसका डाटा उपलब्ध नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही है, आप अमेरिका जाके देख लीजिए, वहां पे लोगों को पता है कि सरकार ने किन चरणों का अनुपालन करके वैक्सीनेशन को अनुमति प्रदान की है, किंतु भारत में यह समस्या आज ही बनी हुई है। क्यों केंद्र सरकार वैक्सीन को प्रूव कर दिया, अगर उसको ये बोल दिया गया कि हाँ वैक्सीन सुरक्षित है, ये चरण क्या पास नहीं करवाए होंगे, कोवैक्सीन के ट्रायल्स पूरे नहीं होंगे हुए होंगे, कोविशील्ड के ट्रायल्स पूरे नहीं हुए होंगे, आपको क्या लगता है? आपने चरण के ऊपर प्रश्न खड़ा कर दिया। मुझे ये बताइए, जब भारत सरकार के साइंटिफिक एडवाइजर इंडियन एक्सप्रेस में अपना बयान देते हैं, सवाल खड़ा करने का मतलब, देखिए आशीष जी और मैं आप तमाम लोग से कह रहे हैं, मेरा सवाल खड़ा करने का मतलब ये नहीं किसी पे आरोप लगाना या कुछ सिद्ध करना, मेरा सिर्फ सवाल करने का मतलब ये है कि जिस तरह से ये बोल दिया जाता है एक बड़ी शख्सियत के द्वारा कि बीजेपी की वैक्सीन है या कोवैक्सीन के ट्रायल पूरे नहीं हुए, ये खराब वैक्सीन है, जिस तरह की भ्रांतियां फैली उसके चलते आज गांव और ग्रामीण इलाकों के लोगों को ये सुनिश्चित कराना बहुत बड़ी चुनौती हो गया कि वैक्सीन सुरक्षित है, तो इस तरह के जब भ्रम फैलाए जाते हैं किसी बड़ी पार्टी और उनके बड़े नेताओं के द्वारा तो लोगों पर उसका असर होता है, तो हमें ये सोच समझ के इस चीज को आगे बढ़ना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरह के भ्रम फैला दिए जाते हैं तो ये चुनौतियां भी तो खड़ी हो जाती हैं, फिर इसके लिए केंद्र सरकार को जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, ना कि विपक्ष को बदनाम करने का कार्य करना चाहिए, और सरकार को इस पे लेकर लोगों को समझाने की जरूरत है, LED लगाकर उन्हें सुनिश्चित करने की जरूरत है कि वैक्सीन खराब नहीं है, ठीक है। विवेक श्रीवास्तव जी, आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है, हमारा ही सबसे बड़ा इस वक्त जो चैलेंज है वो वैक्सीन के डोज को पूरा करना है और हर एक जन तक वैक्सीन पहुंचाना है, तो किन किन कंपनियों से संपर्क कर चुके हैं, क्या अभी तक वैक्सीन को लेकर कोई आप लोग ने साइन किया है किसी पर्टिकुलर वैक्सीन को? स्पुतनिक वी तो आने ही वाली, उसका निर्यात शुरू होने वाला है, लेकिन इसके अलावा मॉडर्ना, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन, कई ऐसी तमाम कंपनियां हैं, तो किसी से अभी बात हुई है, बात चल रही है, कितने डोज आने वाले हैं, किस तरह से जुलाई में 1 करोड़ प्रतिदिन लोगों को लक्ष्य रखा गया, बहुत बड़ा लक्ष्य है, कैसे पूरा होगा? देखिए कीर्ति जी, हमारे मित्र विवेक जी बोल रहे थे कि अभी तक कोई सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई। एक तरफ तो विपक्ष ऐसे अगंभीर बयान देता है कि अब बीजेपी की वैक्सीन है, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके, 5 साल आपने सरकार चलाई है, और आपके स्तर का व्यक्ति अगर इस तरह का बयान देता है कि मैं तो ना लगवाऊंगा, तो आप सोचिए इससे जनता को क्या मैसेज जाता है। ठीक है, 22 करोड़ लोग आपको फॉलो नहीं करते, लेकिन जो लोग फॉलो करते हैं उनके मन में एक भ्रम तो हो ही गया। अब आज हमारी निगरानी समितियां ब्लॉक वीडियोस को मॉनिटर कर रहे हैं, गांव-गांव घूम करके लोगों को जागरूक कर रही हैं कि आप वैक्सीन लगवाएं, देखिए हम लोगों ने लगवा रखा है। तो ये आज हमको जो स्टाफ हमारा सरप्लस वैक्सीनेशन में लग सकता था, आज वो लोगों को जागरूक करने में लगा हुआ है। तो ये एक हमारे पास सिस्टम था उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा बोझ विपक्ष की इस नासमझी की वजह से पड़ गया। अब रही बात वैक्सीन
नहीं तो वो तो उन्होंने बोल दिया ना कि भ्रम को तो आपको दूर करना है, तो आप भ्रम को दूर करिए, लेकिन उसी के साथ वैक्सीन सप्लाई को भी इंश्योर करने की जरूरत है। भ्रम फैलाना इनका काम है, दूर करना हमारा काम है, तो इसी को आप कह दीजिए। और जो इन्होंने कर सकते तो इन्होंने कर दिया। अब ऐसे ऐसे भ्रम फैलाने वाले विपक्ष को, ऐसे गंभीर विपक्ष के साथ हम कौन सी सर्वदलीय बैठक करें, जो स्थिति है। अब रही बात वैक्सीनेशन प्रोग्राम की, सब लोग जानते हैं कि देश में पहले दो कंपनियों ने वैक्सीन का उत्पादन शुरू किया। स्पुतनिक की डोज उतर चुकी है इंडिया में, स्पुतनिक के टाई अप हो चुके हैं, उनका प्रोडक्शन तमाम कंपनियों द्वारा शुरू किया जा रहा है, ग्लोबल टेंडर भी दिए गए हैं। हर जगह से जहाँ जहाँ से वैक्सीन मिल सकती है हिंदुस्तान के लिए, लोगों के लिए लाई जा रही है। और जो सरकार का लक्ष्य है वो सरकार उसके लिए संकल्प, 1 जुलाई से जो आप कह रहे हैं कि प्रतिदिन 1 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन होगा, तो उसके लिए सरकार आगे, ये मैं नहीं कह रही हूँ आपके, मैं कह रहा हूँ जो सरकार ने जो लक्ष्य अपने लिए निर्धारित किया है सरकार उसके लिए गंभीर है और उसके लिए वैक्सीन का बंदोबस्त कर रही है। लेकिन हमारा विपक्ष से करबद्ध निवेदन है कि इसमें सहयोग करें। कम से कम अब आज ऐसी स्थिति में देश आ चुका है, कोरोना से जूझते जूझते मातम हमारे घरों तक भी आया, मातम इनके घरों तक भी गया है। कोई बचा नहीं है, कोई दल नहीं बचा जिसके घर, जिसके दल में मातम न पहुंचा हो कोरोना का, जिसके जिसके दल के नेता, जिसके दल के कार्यकर्ता कोरोना में इस दुनिया से अलविदा ना हो गए हो। तो ये वक्त राजनीति का नहीं है, तुच्छ राजनीति छोड़ करके, छोटी छोटी बातों का झगड़ा छोड़ करके आप भी अपने लोगों को जागरूक करिए, हम भी जागरूक कर रहे हैं, सबको लेकर के आइए वैक्सीन सेंटर पे, वैक्सीन लगवाने के लिए जागृत करिए। विवेक पांडे जी, आपका क्या कहना है इस चीज पर? आपको फिर से बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं कि जिस प्रकार से हमारे भाई साहब बता रहे थे, और भाई साहब बता रहे थे कि विपक्ष सहयोग नहीं कर रहा है, तो मैं आपको एक बात बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं, बलिया के इनके विधायक सुरेंद्र सिंह जी के क्या वक्तव्य थे उस पर ये कभी चर्चा नहीं करते हैं। आप विपक्ष को विपक्ष की नजर से देखते हैं, सहयोग की नहीं। यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है कि आप हमेशा किसी भी चुनौती में अपने आप को फेल महसूस कर रहे हैं और देख पा रहे हैं इस स्थिति में, जहां पे कि आज आपको दिल्ली तक को जवाब देना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि बड़ी गैर जिम्मेदाराना ये रवैया है कि अपनी गलतियों को आप केवल विपक्ष के और कोरोना की आड़ में साधने का प्रयास करते रहिए। अभी भी आपको जिम्मेदारी से, गहन चिंतन के साथ, मुझे लगता है कि थोड़ा चिंतनशील होते हुए गंभीरता से इस बात को स्वीकार करना होगा कि दूसरी लहर में आपने अपनी गैर जिम्मेदारियों की नीति की भेंट चढ़ा दी इस प्रदेश की जनता को। विपक्ष के ऊपर डालने से आपकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाएंगी और ना ही आप पाक साफ हो जाएंगे। विपक्ष, चलिए ठीक है, विपक्ष पे आपने आरोप मार दिया कि हमने भ्रम फैलाया, आपके अपने ही सांसद ने जब ये वक्तव्य दिया उस पे आपने एक शब्द नहीं कहे। हमने तो उस शब्द का लेकिन कभी राजनीतिकरण करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन जब आप उठाते हैं सवाल तो हमको जवाब देना पड़ेगा। आपके अपने ही सांसद ने कहा कि दवाई कंपनियां कौन सी दवाई बना रही है हमें पता नहीं, वो मूत्र पीने की सलाह दे रहे थे, तो एक प्रकार से तो उन्होंने इंडियन मेडिकल काउंसिल को ही झुठला दिया, उनको विश्वास ही नहीं है दवाइयों के ऊपर। आप विपक्ष के ऊपर डाल करके अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं, ये प्रयास अनर्थक है। आप विपक्ष से सहयोग लेते, सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाएंगे आप? चलिए अगर किसी ने कोई वक्तव्य दे भी दिया तो आप सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाएंगे, आप एकदम दरकिनार कर देंगे विपक्ष को। मतलब ये कौन सी मानसिकता है, कौन सी परिपक्वता है राजनीतिक, मैं इस बात को समझ नहीं पाया, पहली चीज। दूसरी बात, आज भी अगर वैक्सीन की बात करेंगे, पहले इन्होंने वैक्सीन 30 दिन के अंदर दो दो डोज दिलवाए पहले चरण में, और उसके बाद इन्होंने सीधे सीधे 70-80 दिन 60 दिन तक का उसका बढ़ा दिया। दवाइयां क्या राजनीतिक परिपेक्ष में लगाई जाती है क्या? कि दवाइयां इंडियन मेडिकल काउंसिल जिस तरीके से कोर्स चलाएगा उसकी एक ड्यूरेशन होती है, उसके अनुसार लगेंगी। तो भाई जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी, आप खुद ही भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। आपका कोई स्टेटमेंट मेडिसिन को लेकर के अभी तक कोई एक ऑथेंटिक मेडिसिन आपका कोई स्टेटमेंट है तो बताइए, केवल दवाई लगाओ ये नहीं। आपने अपनी नीतियों को इस तरीके से सामने रखा है सबके सामने पटल पे कि लोग उससे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। अगर किसी डॉक्टर भी देता है दवाई तो कहता है दिन में 3 बार खाना है या 2 बार खाना है। आपने पहले बार तो 15-20 दिन की दवाइयां लगवाई, दो दो डोज 30 दिन के अंदर, उसके बाद आपने उसको सीधे 60-70 दिन कर दिया। क्या दवाइयां सरकार के अनुसार लग रही है कि इंडियन मेडिकल काउंसिल की रिसर्च, जैसे जैसे ट्रायल कंप्लीट हो रहा है, जैसे जैसे रिजल्ट आ रहे हैं उसके अनुसार दवाइयां लगाई जा रही है? इसका जवाब कौन देगा? और इंडियन मेडिकल काउंसिल, विवेक श्रीवास्तव जी, आपका कुछ कहना है कि जिस तरह से विवेक जी ने बोला कि कहीं ना कहीं ये जो सुनिश्चित कराना आपका काम है और विपक्ष का सहयोग लेने में क्या जाता है अगर वो देने के लिए तैयार है तो? विपक्ष को भी कीर्ति जी अपनी परिपक्वता का परिचय देना चाहिए। ऐसे परिपक्व विपक्ष के साथ सर्वदलीय बैठक में समय खपाने से हम क्या फायदा पाएंगे? हम अपना समय जनता की सेवा में लगाएंगे। जिसको आपने गुमराह करके गाँव में भटका दिया है, जो वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं आ रही है, हम अपना समय उन पर लगाएंगे।
भाई वैक्सीनेशन सेंटर तक आप आइए, वैक्सीन लगवाइए। आप लोग सब लोग जानते हैं कि कोरोना वैक्सीन जिस तरह की वैक्सीन है, इसको डोर टू डोर जा कर के नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए बाकायदा तीन कमरे इसके लिए आपको पीएससी और सीएससी की हालत भी तो सुधारने की जरूरत पड़ेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें ताले जड़े हुए हैं, जहाँ पर डॉक्टर्स नजारा दें, वहाँ पर भी तो सुनिश्चित करना होगा। उस बात का भी आपको उत्तर देना चाहूंगा, हमारी सरकार आने से पहले उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज खोले गए? हमारी सरकार जब आई तो हमने आईएमए के रूलिंग्स में संशोधन करके, ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल के रूलिंग में संशोधन करके हमने मेडिकल कॉलेजों के खुलने का रास्ता साफ किया। आज हमारे प्रदेश के करीब करीब समस्त मंडल मुख्यालयों में मेडिकल कॉलेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, वहाँ MBBS की पढ़ाई जारी है और आज वहाँ पे कोरोना पेशेंट। लेकिन कोरोना काल में जिस तरह से लोगों ने जो परेशानियां झेली, उससे नाराजगी भी तो आपसे ही है। 2022 में रिपोर्ट कार्ड तो आप ही को पेश करना है। देखिए, जनता हमारी है, जनार्दन है हमारे लिए, हमने सेवा का व्रत लिया, हम काम कर रहे हैं। अगर हमसे कोई कमी हुई तो उस नाराजगी को वो भी शर्माते, हमने उसी जनता ने हमको अपने शर्माते बिठा, तो उनकी नाराजगी भी शर्माते लेता, हमें उससे भाग नहीं रहे। लेकिन जितना संघर्ष हमने किया, आज भी आप रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए, सबसे फेल प्रदेश दिल्ली, दूसरे पे महाराष्ट्र है, और जितना बड़ा जनसंख्या आबादी उत्तर प्रदेश की, उस हिसाब से देख लीजिए तो हमने कितने कम समयों में और कितनी कम कैजुअलिटी के साथ कोरोना को कंट्रोल किया है। 11% अभी तक यूपी की जनता वैक्सीनेट हो पाई है। लेकिन अब रही बात वैक्सीनेशन प्रोग्राम की, तो जो विपक्ष ने भ्रम फैलाया, हमारी निगरानी समितियां गांव गांव घर घर जा रही हैं। भ्रम के अलावा भी जो लगवाना चाहते हैं श्रीवास्तव जी, उन्हें तो वैक्सीन ही नहीं मिल पा रही है ना। आप तो दिन पर दिन बढ़ा रहे हैं कि अब पहले तो 2-3 हफ्ते में कोविशील्ड लगवा ली थी, अब 8 हफ्ते का विवेक हो गया। उस बात का जवाब दे दूं, देखिए कोरोना वैक्सीन जो है वो बॉडी की रेजिस्टेंस पावर को स्ट्रांग करती ताकि आपके कोरोना वायरस इफेक्टेड ना हो। उसका एक समय था कि इसके बाद ही दूसरी डोज लगेगी, तो अगर दूसरी डोज में थोड़ा और समय बढ़ता है तो उससे कोई उसके ऊपर इफेक्ट नहीं आने वाला है, ठीक है, इसलिए उसमें कोई भ्रम की बात नहीं है। अब रही बात थोड़ी सी उपलब्धता, अगर कहीं कोई दिक्कतें आ रही हैं तो उसमें भी डेट बढ़ा करके उनको वैक्सीन दिया जा रहा है, इसलिए इसमें कोई भ्रम न करें, ना भ्रम फैलाने की बात करें। ठीक है, वो और हफ्ते खुद लगवाएं और लोगों को लगाने के लिए हफ्ते बढ़ा दिए गए, हर चीज ठीक है, लेकिन वैक्सीन की पूर्ति तो करने की जरूरत है ना। इस वक्त लोग लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं लेकिन वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। जिनको कोवैक्सीन का पहला डोज मिल गया, उनको दूसरे डोज लेने में काफी दिनों का इंतजार करना पड़ रहा है, परेशानियां तो आ रही है ना, ये तो मानेंगे। बिल्कुल, सरकार को चिंता है, सरकार उस चिंता से अवगत है और उसके समाधान के लिए सरकार प्रयासरत है, और जहां जहां से वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है वहां से करा करके अपनी जनता को वैक्सीनेटेड कराने की। ठीक है आशीष जी, आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है, जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है कि अब वैक्सीन की जो रफ्तार है उसमें तेजी लाने के लिए हम तैयार है, लेकिन आप ये बताइए किस बात की दिक्कत है अगर राज्यों को ये कह दिया जाता है कि वैक्सीन आपूर्ति करवाए, तो दूसरी लहर के बाद ये कह दिया जाता है कि राज्यों पर जिम्मेदारी डाल दी, तो ये दो तरफा क्यों, डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज क्यों? देखिए, हमने पूर्व भी बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और अब भी बोल रहे हैं कि राज्य सरकार को 18 से 44 वर्ष के लोगों को वैक्सीनेट करने का जिम्मा देना असंवैधानिक है और कानूनी तौर पर पूर्णतः गलत है, क्योंकि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। मुझे बताइए, जब राज्य सरकारों के पास पर्याप्त मात्रा में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता नहीं है, उसी में आप राज्य सरकार को वैक्सीनेट करने का और वैक्सीन खरीदने का जिम्मा थोप रहे हैं, तो क्या राज्यों का विकास हो पाएगा? स्वयं उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश का बजट देख लीजिए, स्वास्थ्य बजट, और भाजपा सरकार ने इस वर्ष के वित्तीय बजट में 33,000 करोड़ रुपए वैक्सीन प्रोक्योरमेंट को आवंटित किए थे। कहां गई वो राशि, ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये कल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सरकार को लताड़ लगा रहे थे, आपकी राशि कहां गई? इतने सारे पैसों का आपने यदि वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए आवंटित किया था तो उस राशि पर खर्च क्यों नहीं किया जा रहा है? अभी तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार केवल 4% राशि का ही यूटिलाइजेशन हुआ है। नंबर दो, राज्य सरकार यदि वैक्सीनेट करने का जिम्मेदारी लेगी तो केंद्र सरकार क्यों अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है? ये तो यही हुआ कि COVID-19 की प्रथम लहर के दौरान केंद्र सरकारों ने राष्ट्रीय लॉकडाउन घोषित कर दिया और दूसरी लहर में स्वयं से और अपने कुर्पितों से बचने के लिए राज्य सरकारों पर जिम्मा थोप दिया। यदि प्रथम लहर के पश्चात ही राज्य केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत कर दी होती तो देश को आज ये दुर्दशा नहीं देखनी पड़ती। भाजपा सरकार को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि प्रत्येक राज्य सरकारों को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध हो, पर्याप्त मात्रा में और आवश्यकता के अनुसार मुफ्त में वैक्सीन प्रदान करे और पूरे देश को मुफ्त में वैक्सीन प्रदान करे, ना कि एक वैक्सीन तीन दाम। राज्यों को छूट दी जाए कि वो खुद वैक्सीन ले,
केंद्र सरकार क्यों वैक्सीन देगी और केंद्र को क्यों मिलेगी वैक्सीन बाहर से जो निर्यात होगी, इस पर भी तो काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही थी। अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार को दूसरे देशों से वैक्सीन खरीदने की पूर्णतः रूप से केंद्र सरकार ने मना कर दिया है। जब केंद्र सरकार वैक्सीन खरीदी और फिर राज्य सरकार ऊपर ये दोहरी प्रणाली क्यों, और विपक्ष ने इसको लेकर स्पष्ट तौर पर इसका विरोध किया था और हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे कदापि। ठीक है जी श्रीवास्तव जी, आप कुछ कह रहे थे। कीर्ति जी, मैं इनकी बात पे कह रहा हूँ कि अभी ये कह रहे थे कि राज्य सरकारों को ग्लोबल टेंडर अलाउ कर दिया, अभी कह रहे मना कर दिया। अरे भाई, थोड़ा सा विपक्ष का रवैया थोड़ा सा सुधार लो, नवीन पटनायक जी से भी थोड़ा सा सीख लो। उन्होंने क्या बयान दिया, उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में केंद्र के ऊपर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालना ठीक नहीं है, राज्य सरकारें ये काम कर सकती है और वो कर रहे हैं, वो भी राज्य सरकार हैं। तो ऐसे में केवल बार बार केंद्र को करना, आज तक बता दें इन्होंने कौन सा, कांग्रेस की सरकार रही केंद्र में, कौन सा वैक्सीनेशन प्रोग्राम कांग्रेस केंद्र सरकार ने अपने तरफ से चलाया है? तो पता सीखा यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम दे दीजिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट पर तो विश्वास कीजिए। आप देखिए, आप बता दें कि आप कि इतने दिन केंद्र में सरकार रही, किस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को केंद्र सरकार ने अपने बूते में पूरी इंडिया में चलाया है? स्वास्थ्य का मामला राज्य सरकार का है, सारी मशीनरी राज्य सरकार के पास है, बिना राज्य सरकार के सहयोग के वैक्सीनेशन एक भी व्यक्ति को हो ही नहीं सकता। आप क्या बात कर रहे हैं, क्यों गुमराह कर रहे हैं जनता को, क्यों जनता गुमराह कर रहे हैं भाई, किस बात के लिए इतना भ्रम फैला रहे हैं? मैं इसका जवाब देना चाहूंगा, बड़ी शांति से देखिए। मैं आपको पहले से एक चीज बता दूं, जुलाई 2020 से 31 मार्च 21 तक 9 महीने के लिए दोबारा आरबीआई से इन्होंने सरप्लस रकम 99.122 करोड़ रुपए लेने का प्रावधान पास करवा लिया है। ठीक, पहले सुन लीजिएगा मेरी बात। ये बात यहाँ पे केवल वैक्सीन को लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी नहीं हो रही है, बात है यहाँ पे गलत नीतियों की। पहले क्या हुआ, पहले आपने छवि बनाने के चक्कर में केंद्र सरकार ने राज्यों को वैक्सीन खरीदने का अधिकार नहीं दिया। ठीक, मेरी बात को सुनिएगा। सरकारें जबकि दूसरी जगह पे सरकारें अनिवार्य लाइसेंसिंग अपना रही है ताकि थर्ड पार्टी भी वैक्सीनेशन की जो फैक्ट्रियां हैं वो लगा सके और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन बना सके। उत्तर प्रदेश में या किसी भी राज्य में जहां पे वैक्सीन की फैक्ट्रियां हैं, उसके अलावा दूसरे राज्यों में अभी तक कोई भी वैक्सीन बनवाने की फैक्ट्री ना लगी, पहली बात समझिएगा। और जो इन्होंने अचानक अब ग्लोबल टेंडर इशू किया है, उसमें 8 ऐसे राज्य हैं अपने देश के जिसमें कि कुल बजट का उस राज्य के 30% टीका पे उस राज्य को खर्च करना होगा, जैसे छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड जैसे राज्य जिनका की जो पूरा बजट है उसका 30% जब वो सीधे वैक्सीनेशन पे अचानक खर्च करेंगे तो उन राज्यों की पूरी स्थिति जो आर्थिक है वो पूरी तरह से डावाडोल हो जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि आप इन राज्यों के, खास करके ऐसे राज्य जो गरीब राज्य हैं जिनके कुल बजट का 30% टीकाकरण करने पे उनको खर्च करना होगा, तो ऐसे राज्यों को कम से कम बैठ करके आर्थिक मंथन के साथ, आर्थिक सहयोग देने के साथ ऐसे राज्यों के लिए कोई विशेष नीतियां बनाइए। मैं आपको एक सुझाव दे रहा हूँ, ये एक सकारात्मक रूप से देखें, आप चाहे नकारात्मक, वो आपकी इच्छा शक्ति पे निर्भर है। सुझाव के तौर पर अगर है तो बिल्कुल इस पर काम करना चाहिए, लेकिन इस पर राजनीति करना कि पहले केंद्र सरकार नहीं दे रही थी, अब केंद्र सरकार ने बोल दिया हमसे लेनी होगी, हम खुद नहीं ले सकते, इन तमाम तरह की भ्रांतियां जो फैलाई जाती है और जिस तरह से वैक्सीन को लेकर फैलाई जाती है तो कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता पर भी असर पड़ता है, तो उसको भी विपक्ष को सुनिश्चित करना चाहिए कि किस समय हम किस को लेकर राजनीति कर रहे हैं। नहीं नहीं, तो मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से, मैंने उत्तर प्रदेश का तो नाम ही नहीं लिया इसमें, मैं तो कह रहा हूँ ना कि केंद्र को कम से कम जो राज्य कमजोर हैं या जिन राज्यों की आर्थिक नीतियां कमजोर हैं या आर्थिक रूप से सबल नहीं है, उन राज्यों को कम से कम ग्लोबल टेंडर के फेज में दायरे में नहीं लाना चाहिए। आशीष, ऐसे राज्यों को आपको क्या लगता है कि जिस तरह से विवेक पांडे जी ने कहा कि जो राज्य कमजोर वर्ग के हैं उनके साथ केंद्र सरकार को आना चाहिए, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि ये हटाई देना चाहिए बिल्कुल, कुछ कहना है आपको इस पर? देखिए, हमारी स्पष्ट तौर पर मांग है और हम उस मांग पर स्पष्ट तौर पर बोले भी है और अब भी कह रहे हैं कि हमारी मांग यही है कि राज्य सरकारों पर जो जिम्मा थोपा गया है वैक्सीनेट करने का, उस जिम्मा को केंद्र सरकार संभाले। नंबर दो, राज्य सरकार को आवश्यकता के अनुसार उनको वैक्सीन की आपूर्ति की जाए और पूरे देश को मुफ्त में वैक्सीन प्रदान की जाए। ये भाजपा के प्रवक्ता अभी यहाँ पर स्पुटनिक की बात कर रहे थे, जॉनसन एंड जॉनसन की बात कर रहे थे, क्या मुझे ये बताइए क्या केंद्र सरकार उस वैक्सीन को देशवासियों को मुफ्त में प्रदान करेगी? बिहार के चुनाव में आपने मुफ्त में वैक्सीन प्रदान करने का जुमला प्रदान किया और स्वयं अब अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। इस प्रकार की दोहरी प्रणाली आपकी सरकार की हो सकती है, हमारी नहीं। और उन्होंने प्रश्न उठाया कि आप सत्ता में थे, आपने कौन सा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया? मैं उनको बताना चाहता हूँ कि राजीव गांधी जी उन्हें फ्री में देनी है या उन्हें पैसे,
तो ये चीज तो राज्यों पर सुनिश्चित छोड़ दिया है ना उन्होंने कि वो सुनिश्चित करें कि उन्हें मुफ्त में देनी है या फिर उन्हें उसको किस तरह से वैक्सीन लोगों को लगानी है। किंतु राज्य सरकार को केंद्र सरकार से खरीदनी पड़ेगी, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि एक वैक्सीन तीन मूल्य है, केंद्र सरकार के लिए उसी वैक्सीन का मूल्य अलग, राज्य सरकार के लिए और निजी अस्पतालों के लिए। तो देश की जनता को चयन करने का इतने सारे अवसर क्यों दिए गए? तो आपने बिहार की बात करी ना आशीष जी, आपने बिहार के लिए बोला कि फ्री में वैक्सीन के लिए जो बोला गया था, अगर उनके पास होगा तो बिहार वासियों को फ्री में वैक्सीन लगाएंगे, नहीं तो वो देखेंगे उस हिसाब से, लेकिन वो खरीदेंगे तो केंद्र से ही ना। क्यों लेकिन केंद्र से? हमारा प्रश्न यही है, क्या प्रत्येक राज्य सरकार सक्षम है? और मुझे बताइए, इस देश में जब करोड़ों लोग रहते हैं और जो लोग आज 27 करोड़ लोग हैं जो स्पष्ट तौर पर कहा जाता है कि गरीबी रेखा से नीचे जीते, क्या वो लोग वैक्सीन खरीदने की क्षमता रखते हैं जिनको दो वक्त की रोटी मुहैया नहीं हो पाती? आज अब उनसे वैक्सीन खरीदवा रहे हैं। वक्त की नजाकत और कमी को देखते हुए विवेक श्रीवास्तव जी, आपका लास्ट कमेंट क्या है इन तमाम बातों पर? देखिए, विवेक पांडे जी ने बड़ी सकारात्मक बात की, मैं उनकी बात को बड़े पूरी सकारात्मकता से स्वीकार करता हूँ। जिन राज्यों की आर्थिक स्थिति इस लायक नहीं, उनकी मदद के लिए विचार करना जाना चाहिए, वहाँ तक तो बात सही है। जो हमारे कांग्रेस के मित्र बार बार कह रहे हैं कि वहाँ जुमला दिया, मैं बार बार बता दूँ कि देखिए, सरकारी जो भी सिस्टम है, जहाँ सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर, वहाँ तो मुफ्त लग ही रही है। अब अगर आप चॉइस में किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल को तो सरकार फ्री में वैक्सीन मुहैया कराने से रही। आप हमारे सिस्टम में आइए, हम आपका स्वागत करते हैं, वहाँ पे हम आपको वैक्सीन कर ही रहे हैं। तो ऐसी में कोई भ्रांति ना फैलाए, सहयोग करें, खुद लगवाएं और लोगों को लगवाने के लिए प्रेरित करें। जहाँ तक वैक्सीन की जहाँ कहीं कमी की सूचना अगर आपको मिलती तो आप हमें दे, हमारे आप ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जुलाई तक 1 करोड़ डोज प्रतिदिन लगेगा? बिल्कुल लगेगा, मैं मान लूं कि 1 करोड़ डोज प्रतिदिन लगेगा, आपके बात को मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। जो वैक्सीनेशन सेंटर अगर अभी तक कहीं कोई दिक्कतें हैं उनको भी जून महीने में वो तो सरकार का काम है सुनिश्चित करना कि लोगों तक ये डोज पहुंचे और 1 करोड़ डोज, क्योंकि हमें ये टारगेट लास्ट तक का जो आपने सरकार ने तय किया है कि हम इस साल के अंत तक सबको डोज दे देंगे और वैक्सीनेट कर देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार हमारा यही है कोरोना के खिलाफ। बिल्कुल, कोरोना के खिलाफ वैक्सीन ही हमारा एक मुख्य हथियार है और सबको वैक्सीनेट करने के लिए भारत सरकार, प्रदेश सरकार दोनों के संकल्पित है, दोनों मिलकर के हमारी डबल इंजन की सरकार इस पे जूझ रही है और हम सबको वैक्सीनेट करेंगे और करके रहेंगे। ठीक है, विवेक पांडे जी, आपको कुछ कहना है इस लास्ट कमेंट की? सरकार ने जिस तरह से सुनिश्चित किया है कि जुलाई तक 1 करोड़ डोज वो प्रतिदिन देंगे। देखिए, कहने के लिए ठीक है, अगर ये कह रहे हैं तो हम भी यहीं बैठे हैं, आप भी यहीं बैठी हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि मैं आपको एक सुझाव जरूर दूंगा चलते चलते कि आप थर्ड वेव को नजरअंदाज ना करिए, वो आए चाहे ना आए। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तो चली रही है, चलिए इस पे तो बात होती रहेगी, लेकिन जो थर्ड वेव है उसकी तैयारियां अभी से करिए। कोविड बेड, अस्पताल, स्पेशल केयर सेंटर्स अभी से तैयार करिए। जी बिल्कुल, बहुत सकारात्मक सुझाव दिया गया आपके द्वारा कि थर्ड वेव को लेकर। एक लास्ट स्टेटमेंट ले लीजिए, किसी जेपीएनआईटी जैसी इतनी बड़ी बिल्डिंग शहर के बीचों बीच खड़ी है, अस्पताल आप शहर के बाहर जाके बनवा रहे हैं, वहाँ पे हेलीपैड भी अवेलेबल है, वहाँ पे एक हाई केयर कोविड अस्पताल डेवलप किया जा सकता है अभी होने वाले हैं। और जिस तरह से तीसरी लहर आने का अनुमान लगातार दर्शाया जा रहा है, उसको लेकर जल्द से जल्द वैक्सीनेशन की रफ्तार उसे तेज किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस प्राइम डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो लगातार वैक्सीन को लेकर सियासत तेज है, कई बातें कही जा रही है, लेकिन इन सबके बीच हमें जो इस समय सुनिश्चित करना है वो है ये कि वैक्सीन की रफ्तार पर जो फुल स्टॉप लगता जा रहा है उसको एक बार फिर से रफ्तार देनी है। और जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं वो देखना होगा कि जुलाई से क्या 1 करोड़ डोज प्रतिदिन लोगों को मिल पाते हैं या नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आपका ही मजा आएगा, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।